क्लास 8, दिस इज़ योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। ठीक है बेटा, आपकी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर्स नेम है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स मींस कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स या तो एक्स होंगे या वाई होगा या जेड होगा, मतलब कि एक ही फॉर्म होगी। ये नहीं है कि एक्स वाई कम्बाइंड दे दिया, जेड दे दिया। अगर आपको एक्स के संग वाई भी दे रखा है तो आपका ये टू वेरिएबल्स हो जाता है, ठीक है। और अगर वाई के साथ आपको जेड भी दे रखा है तो पॉली हो जाता है या ट्राइन, ठीक है। इस तरह से होते हैं। जैसे फर्स्ट सम है आपका 2x-3=7। ये एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ मैं आपको, आप एक्सरसाइज करके देखना, ईजी है। देखो बेटा, आपका इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। आपका है 2x, इसको आप जब सॉल्व करोगे इक्वल टू x के जितने भी नंबर्स हैं आप एक तरफ ले लोगे और जो विदाउट x के हैं वो वन साइड ले लोगे। तो मेरा 3 है वो विदाउट x है, तो मैं 7 लिखने के बाद इसे 7 के पास ले जाऊंगी। यहाँ पे ये माइनस का था तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का। इट मीन्स 2x=10। तो x=10/2। अब मैंने इसको 2 यहाँ पे क्यों करा है, क्योंकि जो 2 यहाँ पर मेरा x के साथ था वो मल्टीप्लाई में है। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको बोलेंगे यही कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और जब आप इसको इधर लेके जाओगे डिवाइड में कर दोगे, तो x=2 को 10 से डिवाइड, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, इट विल बी 5। क्लियर। ये चीज़ याद रखना, आपका इक्वल टू का मार्क रहेगा अगर इधर की तरफ कोई प्लस में है, ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। इट मीन्स इक्वल टू के बाद जब आप अदर साइड जाओगे, अपोजिट साइड जाओगे, तो आपका साइन अपोजिट हो जाएगा। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। क्लियर है, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल करके दिखाया था। एक मैं आपको फोर्थ सम आपकी बुक एक्सरसाइज का करके दिखाती हूँ। 3/7 प्लस में एक्स इक्वल टू 17/7, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपने ये देखा कि आपका ये भी रेशियल नंबर है, ये भी आपका रेशियल नंबर है, लेकिन x आपका रेशियल नंबर नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसका डेनोमिनेटर 1 एक्ज्यूम कर लोगे। एक्ज्यूम करने के बाद 1 हो गया, इसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया 717, तीनों डिजिट का। डेनोमिनेटर हमेशा इक्वल लेकर चलेंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर आपने लिया तो तीनों का हमारा 7 आया, ठीक है। 7×7 होता है, एलसीएम आपने लिया 717, ये हो गया आपका एलसीएम 7×7, ये तो आपका एलसीएम कितना हो गया 7। तो आपका डेनोमिनेटर कितना है 7। 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दोगे, इट विल बी 3। प्लस में 1 से डिवाइड करोगे 7 को तो 7 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे, x से कर दोगे 7x। सेम 7 से 7 को डिवाइड किया 1, 17 से 1 की मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया 3+7x=17। अब बेटा इधर देखो, 7x ये हो गया आपका, ये 17 हो गया। अब यहाँ पे 3 आपका प्लस में है ना, अगर आपका यहाँ पे कोई मार्क नहीं है तो इट मीन्स ये प्लस में है, इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 7x=17 गए 14, x=14/7, इट विल बी 2। ये आपका शॉर्ट आउट हो गया। सेम आपकी एक्सरसाइज इसी तरह से है, सॉल्व करके देखना अपनी एक्सरसाइज 2.1। ईजी है। अगर आपको कोई भी रेशनल फॉर्म में दे रखा है तो आपको उसको डेनोमिनेटर इक्वल करके तब सॉल्व करना है, ठीक है। तो डू एक्सरसाइज 2.1। ओके।